हेलो एवरीबॉडी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा परिणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, मेरे खूबसूरत से गांव रौली गांव से। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग की टाइम है, दोपहर के 1 बज चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गाँव की झुंगरेड़ सार से। तो अभी जा रही हूँ मैं गाँव की तरफ और आजकल खेतों में देख सकते हैं झंगोरा काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है। झंगोरा के ये जो बड़े बड़े पौधे हैं इनमें बड़ी बड़ी बाल भी आ चुकी है। तो आज हमारे गांव में श्रीनगर विधानसभा के माननीय विधायक जी मौका करने के लिए आ रहे हैं। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि हमारे गांव में बादल फटने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रखा है लोगों का, तो इसी से संबंधित माननीय विधायक जी आज हमारे गांव में मौका करने के लिए आ रखे हैं। देखते हैं आज क्या बोलते हैं विधायक जी और लोग के द्वारा क्या क्या बात रखी जाती है उनके संज्ञान में। तो चलिए चलते हैं गाँव की तरफ। तो मैं घर से थोड़ा जल्दी आ चुकी हूँ क्योंकि हमारा घर काफ़ी दूर है, उस पहाड़ी के दूसरे साइड है हमारा घर और हमारे घर से 1 घंटा लग जाता है गांव में आने के लिए, और इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ घर से। तो सुनने में ये आ रहा था 3:30 बजे तक आएंगे विधायक जी, तो तब तक मैं अपने दोस्त के घर पे चली जाती हूँ और गांव के साइड का हाल देख सकते हैं कैसा हो रखा है। भयंकर तबाही हो रखी है गाँव के चारों तरफ। आजकल तो लोगों ने काफ़ी रास्ते भी बना लिए हैं खेत खलिहान में जाने के लिए, खुद से ही गाँव वालों ने सार्वजनिक रूप से काम किया और ये देख सकते हैं थोड़े बहुत रास्ते निकाल रखे हैं। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, 2 दिन में बारिश में भीग गई थी, मुझे कोल्ड हो रहा है, मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, आवाज़ भी मेरी साफ नहीं आ रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। 1 हफ्ते पहले यहाँ पर काफ़ी मिट्टी थी और आजकल खतरनाक बारिश हो रही है, तो ये चट्टान साफ दिखने लगी और ये पत्थर ना नीचे खिसकने पे लगे हुए हैं दिन प्रतिदिन, और ऊपर देख सकते हैं ऊपर साइड भी लैंडस्लाइड हो रही है। अरे खतरनाक हो गया हमारा गांव तो। और माननीय विधायक जी का सुबह से हम इंतज़ार कर रहे हैं 2 बजे से और अभी तक विधायक जी पहुंचे नहीं हैं हमारे गांव में। मैं चाची और के घर पे बैठी हुई हूँ और यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ बैठी है जाके। 6 बजे माननीय विधायक जी हमारे ग्राम सभा रौली में आ चुके हैं। तो यहाँ नीचे हमारे गांव का मोटर मार्ग खराब हो रखा है, तो सारी गाड़ियाँ सामने ही खड़ी हो रखी हैं, तो काफ़ी प्रशासन के लोग भी आ रखे हैं माननीय विधायक जी के साथ और हमारे गांव के काफ़ी लोग भी जा चुके हैं उन्हें लेने के लिए। प्रशासन लाइव चलो ना, बाप रे। तो माननीय विधायक जी हमारे ग्राम सभा रौली के पंचायत भवन में भी आ चुके हैं और गांव के सभी लोग पहुंच चुके हैं अभी गांव की मीटिंग में, देख सकते काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं अभी। केबल की जरूरत नहीं, कैमरामैन आज 3-4 बार हम लोग भी आगे पूरे तहसील प्रशासन के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय भी गांव में आए हैं, उसी कड़ी में परम सम्मानित माननीय मंत्री जी भी आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं कि आप लोगों के जो इस आपदा से प्रभावित हुए और आप जिन जिन लोगों को इसका नुकसान हुआ है और आगे क्या हो सकता है आपके विचार सुनने के लिए और उसमें क्या क्या समाधान हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए, मैंने पहले भी कहा था कि हम सब आपके साथ ही हैं और आपका किस तरह से इस आपदा से बचाया जा सके उसका समाधान करने के लिए पूरा प्रयासरत। इसी कड़ी में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग पिछली बार हमने आपकी बैठक ली थी, आप लोग अपनी बात माननीय मंत्री जी के सामने रखें। मैं बोलना चाहूँगी की बारिश आ रही है, बारिश आज आप सुन रहे हुए तो बारिश आ रही है, हम लोग सो नहीं पा रहे। बात है आप देख सकते हैं दोनों ये आप होने की घटना है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं या कुछ भी, अगर आप बारिश हो रही है दोनों साइड तो भूस्खलन हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा का जल डर का माहौल है, इंसानों के लिए और
इंसान तो चलो किसी तरीके से चले भी जाएंगे कहीं, इन में हम लोग क्या करते हैं, हमें भी ये चाहिए कि थोड़ा आश्वासन देने हमें थोड़ा एक्शन भी चाहिए सर, इसमें कुछ किया जाए एकदम। हम प्रशासन आए हैं, हम पेरेंट्स आवाज़ है, प्रशासन आए, प्रशासन ने देखा, प्रशासन ने बहुत मदद जो भी करी होगी उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन हमें अब ये आश्वास मतलब ये एक्शन लिया जाए कि हम लोग करें क्या, हमें ये सुझाव भी दिया जाए, अगर आप लोग कह रहे हो कि हमारे एन डी आर ओ की टीम रेडी है, आप लोग आके 12 बजे सर दोनों साइड से गदर आ रहे होंगे, आपके एन डी आर ओ की टीम क्या करेगी, गदर को अपनी जान को जोखिम में कोई नहीं डालेगा सर, तो आप देख सकते हैं सर कि दोनों साइड से किस साइड इस तरीके का जो माहौल है ये आप देख सकते हैं। और मेरा ये होगा सच में कि अभी तो जो भी है सर बोल रहे हैं कि ठंडा सब्जी जो करना है वो बारिश के बाद ही होगा जो भी, लेकिन अभी आप लोग जो है मैं तो पूरे गाँव की तरफ यही रिक्वेस्ट है कि कोई एक्शन लिया जाए, ये लेकिन कुछ भी किया जाए, लेकिन आप देख सकते हो क्या होगा। अगर सर्वे वाले कहेंगे कि साफ सफाई करने की जरूरत नहीं होगी तो फिर हम यहाँ पर घर वाले भी घर वाले भी दोनों जो है पुरस्कार कर देंगे घर वाले बना देंगे, जैसे आपने वीडियो सुने देखा होगा कि मरवा गांव में 3 साल पहले पहुँच गया इधर से भी पानी आया इधर से बीच में गाँव में गाँव में पूरे 7 करोड़ रुपये भगवान के कृपा से बहुत अच्छा हो गया। वो सर्वे पे डिपेंड करेगा कि कौन को शिफ्ट करना है कौन, अगर सर्वे वाले कहेंगे कि भाई बहुत दिक्कत है उनकी जान तो बचानी है, जो आपकी खुलिया है उनका स्थल बन गया था उसका पैसा दे देगा, नीचे का फुल का भी पैसा दे देगा, और ये नहीं बनता यहाँ 2-3 करोड़ रुपये खर्च होंगे इसको पूरा ठीक करने को इधर भी और इधर, और यहाँ पे 2 पुल भी बनाने पड़ेंगे आपको जो 3 लोग उनका डामीकरण भी होगा तुम्हारा, तो जो भी सब होगा पैसे की कमी नहीं रहेगी, और आप मैं बहुत जल्दी सर्वे टीम ठीक है बोल दूँ, और इनका पुल क्योंकि पुल का भी क्या हो रहा है कि वो डेली ज़्यादा पुल कर, तो पहले लग रहा था कि 20 मीटर में पुल बन जाएगा, अब अभी मैंने इनको खाती कर घर बनाना पड़ेगा, तो दोनों जगह टीम आ जाएगी अधिकारी को बता के, और बहुत जल्दी अगर शिफ्ट करना पड़ेगा तो शिफ्ट करें, और अगर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर यहाँ पूरा जो है बचाव कार्य शुरू करें, और बचाव कार्य जो है जब बारिश का होगी तब शुरू होगी, लेकिन पुलिया पूजा हम जल्दी शुरू करेंगे, हमारे मोदी दीदी जी यहाँ देखो मैंने यहाँ जिलाधिकारी भेजे पार्षद को भेजा फिर जिलाधिकारी को भेजा, मैं तो उसी दिन आ जाता पर वो दिन चमोली में 16 लोग मर गए, कचरा तो बहुत ही, तो मैं भी कैसे बचा आप लोग जानते हो बाकी पड़ा होगा, मेरा हेलीकॉप्टर भी बहुत कैसे कैसे बचा, तो हम लोग भी रात दिन लगे इस काम में, कल फिर गौरी पूर्णिमा आपदा आ गई फिर वहाँ भी जाना पड़ा लोग ठीक है, बहन का है जो बोल रही है सर, मैं जिलाधिकारी को भी कह दिया पटवारी को भी कह दिया कानून को भी कह दिया हूँ कि जहाँ भी थोड़ा दिक्कत है हम क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे, चाहे स्कूल में करें चाहे गेस्ट हाउस में करें चाहे होटल में करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, एक मैंने आज सीएमओ को कह दिया है कि जो भी गर्भवती महिलाएँ जिनके पसंद उनको भी हम यहाँ से क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे ठीक है ना, ताकि कल चचा बच्चे की कोई दिक्कत ना हो, आप जल्दबाजी करने से नुकसान हो जाएगा, एक बार आएगी रुड़की के या भूगर विज्ञान के सर्वे हो जाते हैं ये देखना पड़ेगा कि कितना बदलेगा एक एक मिनट रखते हैं, अगर वो कहेंगे कि कोई दिक्कत तब तो हम काम शुरू करें ठीक है। बैठक खत्म होने के बाद माननीय विधायक जी दुर्घटना स्थलों का जायजा लेने पर लगे हैं कि कहां कहां कितना कितना नुकसान हो रखा है लोगों का, और शासन प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उनके साथ सहयोग में लगे हुए हैं, गांव के सभी लोग और अन्य गांवों से भी काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं विधायक जी के साथ, और जायजा लेते हुए विधायक जी आगे दूसरे घटना स्थलों का भी जायजा लेने पर लगे हुए हैं।
दुर्घटना स्थलों का जायजा लेते हुए माननीय विधायक जी हमारे ग्राम सभा रौली से जा चुके हैं। आज की बैठक में माननीय विधायक जी के द्वारा घोषणा की गई है कि बहुत ही जल्द हमारे ग्राम सभा रौली में भू सर्वेक्षण की टीम सर्वे करने आएंगी और उसके बाद ही निर्णय होगा कि गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना है कि नहीं। उसके बाद ही गांव में हर तरफ रास्ते बनेंगे, पुल बनेंगे, इस बात का निर्णय होगा। तो माननीय विधायक जी के द्वारा काफ़ी सहयोग एवं सहायता का आश्वासन आज की बैठक में ग्राम सभा रौली के लोगों को दिया गया है और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का जो हमारे ग्राम सभा रौली में पधारे और मदद के लिए आगे बढ़े। आजकल हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रखी है, तो दादी ना नेचुरल धारे में जा रही है पानी लेने के लिए, बाल्टी लेके, तो काफी परेशानी उठानी पड़ी है गांव की महिलाओं को, सभी लोगों को, क्योंकि खाने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए कुछ भी पानी नहीं है, रास्ता तक नहीं है। तो काफी टाइम हो गया है मुझे गांव में ही और अब मैं घर जा रही हूँ और हमारा घर गांव से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अपने घर पे भी मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट्स करें, साथ में जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।